अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्ला दोस्तों, मैं हूं मंजूर हुसैन और आप दोस्त देख रहे हैं मंजूर हुसैन ऑफिशियल चैनल। एक नए मकान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। बड़ा फैंसी, बड़ा खूबसूरत बना हुआ, बिल्कुल नया मकान, गली से काफ़ी ऊंचा। अंदर चलते हैं और आपको दिखाता हूं जनाब। तो ये है दोस्तों इसका कार कोच, माशाल्लाह काफ़ी बड़ा कार कोच है। बड़ी गाड़ी खड़ी करके दो तीन बाइक भी खड़े किए जा सकते हैं। ये सीढ़ियाँ हैं जो ऊपर को जाती हैं और स्टील की ग्रिल लगी हुई है। ये थोड़ी सी जगह यहाँ है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है जी। और उसके बाद जनाब ये है इसमें पानी का टैंकर, गेट है और प्रॉपर सिक्योर। ये ठीक है जी, छतों की प्रॉपर सीलिंग हुई। आगे चलते हैं, यहाँ आप आएंगे तो यहाँ एक टूटी है, अगर आप बाहर से इंटर होते हैं पाँव शाम गंदे तो यहाँ पाँव धो सकते हैं। ये वाश बेसन है, ठीक है जी। आगे चलते हैं, उसके बाद जनाब ये है इसका ड्राइंग रूम, ठीक है जी। बड़ा खूबसूरत बना हुआ माशाल्लाह, ये छतें वगैरह देखें, सीलिंग हुई प्रॉपर, फैंसी लाइटिंग लगी हुई। और एक मिनट में ये दरवाज़ा बंद करके ज़रा आपको चेक कराता हूँ। ये अब देखें माशाल्लाह दीवारें वगैरह जैसे आजकल बनते हैं, बड़े खूबसूरत बड़े फैंसी, उसी हिसाब से ये बना हुआ। ये दीवार देख लें, ठीक है जी। नीचे मार्बल लगा हुआ है, ये फिर इसकी है अल्लाह आपका भला करे वेंटिलेशन के लिए विंडो। और उसके बाद फिर ये वॉशरूम है, देसी सीट लगी हुई है, मेरे ख्याल को थोड़ा बहुत रहा है इसमें कोई, क्योंकि इस्तेमाल हुआ हुआ है, ठीक है जी। आगे चलते हैं, तो अब इसके बाद हम इंटर हो गए हैं टीवी लाउंज में। ये टीवी लाउंज की इंट्रेंस है, मेन इंट्रेंस इसको आप कह सकते हैं। ओपन किचन, बल्कि थोड़ा दूर से व्यू दिखाता हूँ आपको। तो ये है जी इसका टीवी लाउंज, माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है जी। ये वो दरवाज़ा है जो ड्राइंग रूम में खुलता है। किचन नज़दीक से दिखाता हूँ आपको, है ना खूबसूरत। ये वेंटिलेशन के लिए विंडो है और कार पोच में देखने के लिए ऊपर एग्जॉस्ट फैन है, प्रॉपर सीलिंग हुई हुई है छतों की, नीचे भी इसी तरह। ये बर्तनों के लिए जगह बनी हुई, ऊपर भी बनी हुई, और सामने जनाब है मीडिया वाला, ये सामने। साइडों की दीवारें भी कम नहीं है। अब बेडरूम में चलते हैं, तो एक ये बेडरूम है इसका, उसी तरह छतें गर्मी से बचाव के लिए प्रॉपर सीलिंग हुई हुई दीवारें, ये को मेरा शीट आइडल लगती है इस तरह से, ठीक हो गया जी। वॉशरूम देखते हैं, ये वेंटिलेशन के लिए एरिया है, लेकिन ये सिर्फ वेंटिलेशन के लिए नहीं है, यहाँ वॉशरूम भी ज़रूर होगा। तो ये वॉशरूम है इस बेडरूम का, ठीक है जी। नीचे उसी तरह टाइल शाइल लगी है। दूसरा बेडरूम देखते हैं,
तो ये दूसरा बेडरूम है, इसमें कपड़ों के लिए अलमारियां बनी हुई हैं, छतें उसी तरह प्रॉपर सिली हुई हैं। वेंटिलेशन के लिए विंडो जो लॉन्ड्री के एरिया में खुलती है, नीचे उसी तरह मार्बल टाइलें लगी हुई हैं। और फिर चलते हैं वॉशरूम। तो ये बाथरूम है जी, सीट लगी हुई, थोड़ा सफाई सुथरा ही मानता है, छत पे लेके जाता हूँ आपको। इसकी पूरी डिटेल आप जान पाएंगे अगर आपने वीडियो स्किप नहीं कर दी तो। तो ये बच्चों को सेफ रखने के लिए यहाँ दरवाजा लगाया हुआ है सीढ़ियों पे, आप चाहें तो उतार भी सकते हैं। बिल्कुल छोटे स्टेप की सीढ़ियाँ हैं, बुजुर्ग से बुजुर्ग बंदा भी आसानी के साथ ये सीढ़ियाँ चढ़ सकता है। ऊपर माउंट की जो छत है वो ये पड़ियां सी डाल के ही बनाई हुई, वक्ती तौर पे आप कह सकते हैं इसको। तो ये है जी घर, 5 मरले, ठीक है जी पट्टी साहब, ये 5 मरले है ना, 5 मरले, ठीक है जी। तो ये 5 मरले घर है, यानी 2550, और डिमांड है जी इसकी 65 लाख। ज़ाहिर है थोड़ी बहुत बार्गेनिंग की गुंजाइश मौजूद होती है, 5 मरले का घर है और बिजली का मीटर लगा हुआ है, पानी का बोर हुआ हुआ है, गैस गली में मौजूद है, गैस आपको खुद लगवानी पड़ेगी। दाएं बाएं आबादी आबादी है, ये स्कूल वगैरह है नज़दीक, सारा ये आबादी आबादी है। तो ये पीर मेहरली शाह टाउन है, चक्री रोड, रावलपिंडी, बहुत ही ज़बरदस्त बिल्कुल नया बना हुआ मकान, 5 मरले, सिर्फ 65 लाख डिमांड के साथ। इसके लिए मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर वीडियो के टाइटल के साथ होता है। एक बात जहन में रखा करें कि जब भी आप मुझे कॉल कर सकते करते हैं तो या कॉल किया व्हाट्सएप पे कॉल किया करें या सिम पे किया करें, मैसेज ना किया करें, मैसेज मुझे बहुत आते हैं। दूसरी बात यह कि जो आपको पसंद हो मकान उसका लिंक मुझे शेयर किया करें व्हाट्सएप पे भी, ये वाला है, लेकिन कॉल करके, ठीक है जी। फिर मैं उसकी पूरी डिटेल आपको दिखा भी पाऊँगा और समझा भी पाऊँगा और यानी विज़िट भी करा पाऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।